गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है करंट अकेडमी 24x7 के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। फ्रेंड्स, आज है 11 जनवरी और आज हम पर डिस्कस करेंगे सभी आपके दिन के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या फिर और भी इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले उन सभी को हम साथ में वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना अम्मा वोडी की शुरुआत की है? तो कौन सी योजना का नाम है अम्मा वोडी, ये इस योजना का नाम है। तो किस राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अम्मा वोडी योजना को शुरू किया, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस योजना से क्या होगा? इस योजना का उद्देश्य लाखों गरीब और जरूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सहायता प्रदान करना है। यानी कि जो भी गरीब माताएं हैं, अगर उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको शिक्षित करना चाहते हैं, तो उनको सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें माताओं के खाते में जो बैंक अकाउंट है उसमें 15,000 रुपीज़ एनुअल, यानी कि 15,000 रुपये वार्षिक भेजे जाएंगे, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी योजना है। अब बात हो रही आंध्र प्रदेश की, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ के गवर्नर कौन है और यहाँ के सीएम कौन है। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं बी हरिचंदन और यहाँ के सीएम हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अभी अभी हाल अभी वर्तमान में तो हैदराबाद है, लेकिन कौन सी प्रस्तावित है? अमरावती प्रस्तावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स को हम पढ़ते हैं और सभी कमेंट्स के कोशिश जवाब देने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन का कह रहा है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया गया, या फिर यूँ कहें कि कब मनाया जाता है? तो इसको प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। कल यानी कि 9 जनवरी आपका भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापिस आए थे 9 जनवरी 1915 को। और आज है, अब है 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस, कौन सा दिन मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अच्छा, इसका पहला सम्मेलन, ध्यान रखिए, अब जो मैं आपको 2 पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसमें दोनों में अंतर है, तो पहले ध्यान से सुनिएगा। पहला हिंदी सम्मेलन, पहला हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को मनाया गया। याद रखिए, ये तो बात हो गई सम्मेलन की, लेकिन पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो पहला हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? तो ये जो 1975 को मनाया गया, तो ये एक सम्मेलन था, और 10 जनवरी 2006 से आपका प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। तब मनमोहन सरकार की, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि 2006 से अब प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तब से आपका हिंदी दिवस मनाया जाने लगा, विश्व हिंदी दिवस। अच्छा, क्यों मनाया जाने लगा? क्योंकि हिंदी को पूरे विश्व में प्रचारित करना, प्रसारित करना, इसको एक ग्लोबल भाषा बनाने के लिए इसको ऐसा शुरू किया गया। अच्छा, अब बात हो रही है यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस की, तो बात कर लेते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को शुरू हुआ। मनाया तो जाता है हर वर्ष 14 सितंबर को, लेकिन शुरू कब हुआ, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हमारे जब से संविधान में ये जोड़ा गया तब से आपका हिंदी दिवस मनाना शुरू किया गया। कब जोड़ा गया? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किसे? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया कब? 14 सितंबर 1949। अच्छा, अब याद कैसे रखेंगे कि क्या डिफरेंस होगा हिंदी, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में? तो अब मैं आपको बता दूं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। तो आपका जनवरी में क्या होता है? आपका न्यू ईयर होता है, और न्यू ईयर लगभग पूरे विश्व में ही मनाया जाता है जनवरी के महीने में। तो यानी कि विश्व में, तो विश्व में आपका न्यू ईयर भी मनाया जा रहा है और विश्व में हिंदी दिवस भी आपको जनवरी के महीने में ही मनाया जा रहा है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और आपका कौन सा बचा बाद में? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो आपका साल के लगभग अंत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों तरीके में आप अंतर कर रख करके
याद करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन तो आप बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, बायोपिक शाबाश मिट्ठू किस महिला क्रिकेटर के जीवन पर आधारित है? जी हाँ, इनके ऊपर एक शाबाश मिट्ठू नाम की एक बायोपिक बनाई गई है। तो ये किस पर आधारित है? मिताली राज के जीवन पर आधारित है। ये एक भारतीय महिला टीम की, क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। इन्होंने T20 इंटरनेशनल में 2000 रन बनाए हैं, जो कि किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे पहले बनाए गए हैं, किसी भारतीय महिला बल्लेबाज द्वारा सबसे पहले बनाए गए हैं। इस ये जो फिल्म है शाबाश मिट्ठू, इसका निर्देशन किसने किया है? राहुल ढोलकिया ने किया है। किसने? राहुल ढोलकिया ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 14 देशों को आमंत्रित, सॉरी 41 देशों को, 41 देशों को आमंत्रित किया गया है, इनविटेशन दिया गया है कि आप आइए यहाँ पर और इस नौसेना कार्यक्रम में शामिल हो जाइए। तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर होगा, किस भारतीय शहर में? तो ये आपका विशाखापट्टनम होगा, जो कि आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। अच्छा, ये आपका कब आयोजित होगा? तो ये आपका मार्च 2020 को आयोजित होगा। कब? मार्च 2020 को। यहाँ पर बात हो रही है नेवी की, तो नेवी चीफ कौन है वर्तमान में? करमबीर सिंह है। एयरफोर्स चीफ कौन है? RKS भदौरिया जी हैं। और आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने जी ने किसका जगह ली है? जनरल विपिन रावत जी की जगह ली है, जो कि अभी देश के वर्तमान में CDS बन गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल विपिन रावत। चलिए याद रखें। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत की महिला भारोत्तोलक यानी कि वेटलिफ्टर सरबजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? यानी कि इनको कुछ डोप टेस्ट किए गए, उसमें से ये फेल हो गई, तो इन पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया? 4 वर्ष का इन पर प्रतिबंध लगाया। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। जो आपकी हमारे देश की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अंतर्गत काम करती है, या फिर यूँ कहें कि उसी के अंडर काम करती है। अगर बात करें वाडा की, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, तो इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को, 1999 को की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसका हेडक्वार्टर बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसका जरूर से हेडक्वार्टर याद रखें, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। तो सरबजीत कौर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? हाल ही में यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला पहला देश कौन बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आने वाले कितने भी एग्जाम हैं उनमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, और फिर या फिर जितने भी पीछे एग्जाम निकल गए उनमें भी जब आपका ये चर्चा में आया था सबसे पहले 2016 में, तब से ही एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन से सब अलग होने वाला पहला देश कौन रहा या कौन बना? तो ब्रिटेन। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। अच्छा, ब्रिटेन ने ही ये पहल शुरू की थी, यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहता था। तो यूरोपियन यूनियन यूनियन से ब्रिटेन को अलग होने के लिए एक शब्दावली भी दी गई थी। क्या दी गई थी? ब्रेग्जिट। इससे क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है? ब्रिटेन, यहाँ से ब्रिटेन और एग्जिट, इसको दोनों को मिला करके एक शब्द बना दिया गया ब्रेग्जिट, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने को क्या कहा जाता है, तो ब्रेग्जिट कहा जाता है। ये आपका सबसे पहले कब अस्तित्व में आया? तो ये आपका सबसे पहले 23 जून 2016 को अस्तित्व में आया, यानी कि ब्रेग्जिट की प्रक्रिया शुरू की गई। टाइम टू टाइम बहुत से टाइम लगा इसको अलग होने में, और फाइनली 9 जनवरी 2020 को ये अलग हो गया इससे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन की, कि आखिरकार यूरोपियन यूनियन ऐसा क्या चीज़ है जो उससे ब्रिटेन अलग होना चाहता है? यूरोपियन यूनियन 28 देशों का एक शक्तिशाली समूह है, एक ग्रुप है। तो यूरोपियन यूनियन में कितने देश आते थे अब तक? 28 देश आते थे। अब ब्रिटेन अलग हो गया तो अब 27, तो कितने देशों का समूह है? 28 देशों का शक्तिशाली समूह है। अच्छा, अब समूह है यानी कि 28 देश आ रहे हैं, तो 28 देशों के अंतर्गत जो भी व्यापार है, मत्स्य है, क्षेत्रीय विकास है, इन पर एक ही तरह की नीति बनाई जाएगी,
जाएगी, इन पर एक ही तरह की नीति अमल की जाएगी। यानी कि अगर किसी दो कोई मान लीजिए 28 देशों का समूह है, उसमें कोई भी व्यापार होगा तो सभी देशों के लिए प्राइस सेम होगा, आपकी जो सीमा कर हैं वो भी सभी सेम होंगे। यानी कि जो भी है इन 28 देशों के बीच में अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो सभी देशों के लिए समान ही रूल लागू होंगे। तो ये ब्रिटेन नहीं चाहता था, इसलिए अलग हुआ। अच्छा, ब्रिटेन कब इसमें शामिल हुआ यूरोपियन यूनियन में? तो 1973 1973 में शामिल हुआ था ब्रेक्जिट यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन। अच्छा, जो आपका यूरोपियन यूनियन है, इसने एक अपनी मुद्रा भी चालू की थी, क्या यूरो इन्होंने अपनी मुद्रा को अपनाया था। हालांकि इसमें से लगभग 15 कंट्रीज ने ही इस मुद्रा को अपनाया था, बाकी कुछ कंट्रीज ने इसको नहीं अपनाया था। वर्तमान में जो ब्रिटेन के पीएम है वो कौन है? बोरिस जॉनसन है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रिटेन के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं कि आखिरकार ब्रिटेन क्या है, क्या आप इससे क्या समझते हैं, अब तक आप इसको क्या समझते रहे हैं। तो थोड़ा हम लोग ब्रिटेन पर भी देख लेते हैं, मैप के थ्रू उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका ब्रिटेन। कहाँ पर ये है आपका ब्रिटेन? देखिए, ये आपका स्कॉटलैंड है, ये आपका उत्तरी आयरलैंड है, ये आपका इंग्लैंड है, और ये आपका पीले कलर में वेल्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चारों कंट्रीज मिलकर के, ये चारों पार्ट मिलकर के ब्रिटेन का निर्माण करते हैं, या फिर यूँ कहें आप यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं। ये चारों कंट्रीज उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन चारों देशों की राजधानी भी अलग अलग है। उत्तरी अगर आयरलैंड की बात करें, राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है बेलफास्ट। अगर वेल्स की राजधानी की बात करें, तो इसकी राजधानी है कार्डिफ। और अगर स्कॉटलैंड की राजधानी की बात करें, तो इसकी है एडिनबर्ग। अच्छा, इंग्लैंड की और जो आपकी ब्रिटेन की राजधानी, हम यूँ कह सकते हैं कि एक ही है, वो क्या है? लंदन है। इन चारों मतलब इंग्लैंड और ब्रिटेन की राजधानी लंदन ही है। तो हम आमतौर पर मान लेते हैं कि इंग्लैंड ब्रिटेन ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें अंतर भी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अंतर को डिफाइन कर लेंगे, और अंतर आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या क्या अंतर है ब्रिटेन और इंग्लैंड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला पहला देश कौन बना है? ब्रिटेन आपका पहला देश बना है। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किसने 2019 के लिए इन्फोसिस प्राइज प्रदान किए? तो इन्फोसिस प्राइज प्रदान किसने प्रदान किया इस बार? अमर्त्य सेन ने इस बार प्रदान किया। अमर्त्य सेन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ये क्या है, बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध क्या है, अर्थशास्त्री हैं, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। कब मिला इनको नोबेल प्राइज? 1998 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और भारत रत्न भी इनको मिल चुका है, कब? 1999। यानी कि नोबेल प्राइज पहले मिला, उसके बाद भारत रत्न मिला अमर्त्य सेन को। अच्छा, अभी यहाँ पर बात हो रही है अमर्त्य सेन की, तो यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से भारतीय रहे जिनको अब तक नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो आपके कौन कौन से ऐसे भारतीय हैं? सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला, उसके बाद 1930 में सी वी रमन जी को मिला, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर आता है 1979 में किसको? मदर टेरेसा को मिला। किसे? मदर टेरेसा को मिला 1998 में। मैंने अभी आपको बताया कि अमर्त्य सेन जी को मिला, और 2014 में मिला कैलाश सत्यार्थी को, जिन्होंने मतलब इसी के साथ इस जो नोबेल प्राइज है 2014 में इनको दिया गया, इन्होंने मलाला यूसुफ जई के साथ इसको साझा किया था या बांटा था। यानी कि एक ही नोबेल प्राइज दो लोगों को मिला था, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफ जई, जो कि पाकिस्तान के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अपनी तरह का पहला कंज्यूमर डाटा लॉ पारित किया है? तो किसने कंज्यूमर डाटा लॉ पारित किया है? कैलिफोर्निया ने पारित किया, ये अमेरिका के एक शहर है। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस एक्ट को क्या नाम दिया गया है? कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट, CCPA। यानी कि इसमें जो भी आपका डाटा है वो किसी थर्ड पार्टी को ना बेचा जाए, और कंपनियां उसको किस तरीके से सुरक्षित रखती हैं, इसको इस तरह इस एक्ट में ध्यान दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में भारत में वर्ष 2020 का पहला चंद्र ग्रहण किस दिन दिखाई दिया, या फिर किस दिन दिखाई देगा? तो 10 जनवरी को भारत का 2020 का पहला चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। अच्छा, चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच
सूर्य और चंद्रमा के बीच आपकी पृथ्वी आ जाती है। तो आपका जो सन का प्रकाश है यानी सूर्य की जो लाइट है वो चंद्रमा तक नहीं पड़ती है, तो चंद्रमा बिल्कुल से काला हो जाता है यानी कि दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये चंद्र ग्रहण हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बात करें कुछ पॉइंट्स की कि आपकी जो चंद्रमा है यानी कि मून और अर्थ, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 384,400 किलोमीटर। याद रखें, 384,400 किलोमीटर। अच्छा, ये तो हो गई मून और अर्थ के बीच की दूरी। अब बात करें अगर सन और अर्थ के बीच की दूरी क्या है, तो सन और अर्थ के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो याद रखें, एग्जाम में आपका पूछा भी जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय मूल की सामिया नसीम को किस अमेरिकी शहर का जज नियुक्त किया गया है। कौन? सामिया नसीम को किस अमेरिकी शहर का जज नियुक्त किया गया है। शिकागो का जज नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से संबंध है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इनका संबंध है। अच्छा, अब बात हो रही है यहाँ पर अमेरिका की, तो वर्तमान में प्रेसिडेंट सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन यहाँ क्या आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वहाँ यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस। कौन है? माइक पेंस। याद रखें, काफ़ी पूछा जाता है या फिर आपको जरूर से जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देख लेते हैं यहाँ पर कल के क्वेश्चन का जवाब। जी हाँ, मैंने आपसे कल पूछा था हाल ही में विमोचित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का संबंध किस व्यक्ति से है। तो इस पुस्तक का संबंध नरेंद्र मोदी जी से, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है। उनके जीवन से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं इस पुस्तक में बताई गई हैं। आज ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपने वीडियो को पूरी तरह देखा होगा तो मैंने इस वीडियो में भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो इसमें से जो भी आपका सही हो, 8 जनवरी, 5 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर बिल्कुल से जरूर से करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत सारी मोटिवेशन देता है और लगातार काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट रखता है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारी वेबसाइट भी है। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जरूर से जाकर को उन सभी पेजेस को फॉलो करें। आपके मन में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, तो आप सवाल पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।